हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ममून और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं छोले पनीर की रेसिपी। तो फिर चले इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहां पे मैंने 200 ग्राम भिगोया हुआ छोले लिया है। इसमें से पानी निकाल दिया है मैंने और इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब इसे ले चलते हैं उबालने के लिए। छोले को उबालने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर रखा है। अब इसी में हम छोले को डाल देंगे। पानी ऐड करेंगे छोले के थोड़े से ऊपर तक, ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे। नमक डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। अब कुकर की लेड को बंद कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने देंगे। जब छोले यहाँ पे उबल रहा है तब हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल डाला है। ऑयल यहाँ पे हीट हो चुकी है। अब इसी में हम पनीर को रख देंगे। आप चाहो तो पनीर को बिना फ्राई किए भी ले सकते हो। पनीर यहाँ पे मैंने 200 ग्राम लिया है और यहाँ पे आप आपकी पसंद के हिसाब से पनीर का शेप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे पनीर को रख दिया है। अब इसे कुछ टाइम छोड़ देंगे पनीर को एक साइड फ्राई होने के लिए। कुछ टाइम के बाद पनीर का एक साइड यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब इसे पलटकर दूसरा साइड को भी हम फ्राई कर लेंगे। कुछ टाइम के बाद दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब पनीर को हम निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने सारे पनीर को निकाल दिया है। अब इसी में हम ऐड करेंगे गुनगुना पानी, जिससे कि पनीर सॉफ्ट रहेगा, रबर जैसा नहीं बनेगा। अब इसे साइड में रख कर चलते हैं छोले की तरफ। 4 से 5 सीटी आने के बाद यहाँ पे मैंने कुकर को ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोले अच्छे से बॉयल हो चुकी है। यहाँ पर पनीर भी फ्राई हो चुकी है और छोले भी बॉयल हो चुकी है। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने की प्रोसेस में। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सेम पैन का इस्तेमाल किया है जिसमें हम पनीर को फ्राई किए थे। ऑयल हीट होते ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। जीरा फ्राई होते ही डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने 3 मीडियम साइज का रखा है। अब प्याज को हम लाल हो जाने तक फ्राई करेंगे। दो से तीन मिनट के बाद आप देख सकते हो कि प्याज यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। इसी पॉइंट पर डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसे प्याज के साथ मिला देंगे और इसे भी हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जिसका जो भी रॉ स्मेल है वो सारे निकल जाए। 2 से 3 मिनट के बाद सारे यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब इसी पॉइंट पर डाल देंगे ग्रेटेड टमाटर। 2 बड़े साइज का टमाटर लिया है मैंने। इसी पॉइंट पर बाकी सारे मसालों भी ऐड कर देंगे, जैसे कि डाला है मैंने नमक। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि हम पहले छोले में ऐड कर चुके हैं। 1 छोटा चम्मच तीखी वाली मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 टेबलस्पून डाल देंगे काश्मीर लाल मिर्च पाउडर, जिसमें तीखा कम है लेकिन कलर अच्छा आएगा। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर डाल देंगे। सारे मसाला ऐड करने के बाद इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इसे ऐसे ही कुछ टाइम के लिए पकने देंगे। कुछ टाइम के बाद डाल देंगे 10 से 12 काजू का पेस्ट। काजू पेस्ट डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भुनेंगे ताकि मसाला नीचे ना चिपके। अब इसे मैंने मिला दिया है। अब इसे कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 से 12 मिनट ऐसे ही ना छोड़े, इसे बीच बीच में ओपन करके चेक करते रहे। 10 से 12 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे कवर को हटाया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मसाला अच्छे से पक चुकी है।
इसी पॉइंट पर डाल देंगे उबले हुए छोले, साथ में डाल देंगे फ्राई हुए पनीर। पनीर और छोले डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। पनीर और छोले को मिक्स करने के बाद इसे ऐसे ही कुछ टाइम पकने देंगे। छोले और पनीर को मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे पानी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उसी के हिसाब से यहाँ पे पानी ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद इसे थोड़ा चला देंगे। चलाने के बाद अब इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे कवर को हटाया है। कवर हटाने के बाद इसे थोड़ा मिला देंगे। अब इसे मिलाने के बाद एंड में डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, साथ में डालेंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला। मेथी और गरम मसाला डालने के बाद इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमारा छोले पनीर की सब्जी बनके तैयार। पर इसे सर्व करने से पहले इसे कुछ टाइम कवर करके रख देंगे। कुछ टाइम के बाद मैंने यहाँ पे कवर को हटाया है और इसे ले चलते हैं सर्व करने के लिए। आप इसे रोटी, पराठा या फिर राइस के साथ भी खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।